शैलेश, शैलेश यही मौका है, बाहर चलते हैं, किसी भी तरह गाड़ी को धक्का देकर पीछे लेते हैं। नहीं अंकित, बाहर मौत है यार, बाहर नागी नकल है। हमारे पास अंगूठी है, देख, हमारे पास अंगूठी है, देख, तूफान रुक चुका है, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बात को समझ। हमें किसी भी तरह नीचे उतर के गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, समझा? अंगद तू भी आ, कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। अंगद, अंगद आ जा बेटा, चलो चलो जल्दी आओ। डैड आराम से, डैड धीरे धीरे से। शैलेश, हम लोग को गाड़ी को किसी भी तरह पीछे लेना होगा, संभाल के संभाल के संभाल के, गाड़ी हिलेगी, थोड़ा पीछे जाओ, खींचने की कोशिश करो। पीछे खींचो, खींचो खींचो, खींचता रहे। चलेश, चलेश, गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा, चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ आओ। चलेश हट जा, नहीं होगा, एक काम करो, सब लोग बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, धीरे धीरे बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ। गाड़ी यहां से नहीं हिलेगी, हमको पैदल ही चलना पड़ेगा, चल जल्दी निकल यहां से, चलो आओ। बहुत धीरे से, आराम से, धीरे धीरे, संभाल के, धीरे धीरे धीरे, पीछे जाओ, पीछे रहो, पीछे रहो। सुन, सुनना, हमें यहां से निकलना होगा कुछ भी करके। देख शैलेश, मेरे पास अंगूठी है, तेरे पास अंगूठी है, ठीक है? इन लोगों को बीच में रखते हैं, हाथ पकड़ो, इन लोगों को बीच में रखते हैं, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरी बात समझ। नहीं है कि, मेरी बात सुन, बहुत खतरा है, वो नागिन कभी भी वापस कुछ नहीं होगा। ये भी टायर पंक्चर, जब हम आए थे तो दोनों टायर ठीक थे, तो अचानक पंक्चर कैसे हो गए? मैं माँ को फोन करता हूँ और कहता हूँ कि हम यज्ञ में पहुंच नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। चुक रहे, ऋतिक को काली यज्ञ में जाने से रोक लिया मैंने। भाभी, भाभी कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ नहीं होगा, हम लोग जब तक साथ में हैं, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए शमशान यही पास में ही है, आप लोग बस हम लोगों का हाथ पकड़िए और धीरे धीरे चलते रहिए, ठीक है? घबराइए मत, धीरे आराम से। गुरुमा, 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 हमारी यह हालत बहुत खतरनाक, वार किया है उस नागिन ने हम पर, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आ पहुंचे आपके पास। पता है मुझे, मैं सब जानती हूँ, उस नागिन को तो आना ही था, लेकिन आज इस यज्ञ के बाद उस नागिन की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम सबको माँ काली ने बचाया है, माँ काली की माया, और आज इस यज्ञ के बाद इनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। माँ आएगी, माँ आएगी, अब हम यज्ञ शुरू करेंगे। देखिए गुरुमा, आपने हमसे जो कहा वो हमने किया, आपने हमें ये अंगूठियां दी, हमने पूरे विश्वास के साथ पहनी की, अब हमारा कुछ गलत नहीं होगा। हमारा दोस्त लेकिन गया, सूरी, सूरी मर गया। देखिए मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन उसके बाद भी सब गुरुवा सब गलती हो रहा। अभी अभी रास्ते में इतने बड़े सांप ने हमारे पास को घेर लिया, मेरा मेरा पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है गुरुमा, हम सब की जान खतरे में, बात को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। वो नागिन बहुत भयानक, हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे उसे। यही है, ये एक ही है जो इच्छाधारी नाग नागिन से लड़ सकती है, ये माँ काली। गुरुमा देखिए,
मुझे आपकी शक्ति पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमारी हालत को समझने की कोशिश कीजिए गुरुमा। हम किस मुसीबत से निकल कर यहाँ तक पहुंचे, कितनी जद्दोजहद की हमने यह भी जानते हैं। आपको लगता है ना कि इस यज्ञ करने तो कुछ फायदा होगा गुरुमा? मत करो इतने सवाल, हर सवाल का जवाब हर सांसों को जिंदगी ये देगी। आज इस मशान में माँ काली जरूर आएगी, आएगी माँ उस नागिन का अंत करने। माँ माँ काली यहाँ आएगी हमारा झगड़ा निपटाने के लिए? नहीं गुरुमा, मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ आएगी, वो माँ है, भोली है, अपने पति भोलेनाथ की तरह। अगर उनके बच्चों पर कोई भी मुश्किल आए, बच्चे उन्हें बुलाए, तो माँ आती है और अपने बच्चों को तकलीफ देने वालों पे माँ टूट पड़ती है। उनके लिए माँ विकराल रूप में आ जाती है। कैसे माँ काली कैसे आती है? हमने तो वो किस्से कहानियों में पढ़ा कि शिव जी आते हैं ना वरदान देने के लिए। शिव तो भोले हैं, बम भोले, दुश्मन प्रसन्न करे तो उन्हें भी वरदान देकर जाते, लेकिन वही वरदान जब काल बन जाता है तब वो काल को काटने के लिए सिर्फ एक ही है, काली। माँ काली आती है लेकिन कैसे? यंत्र तंत्र मंत्र से हम उन्हें उत्तेजित करेंगे। माँ आएगी, माँ आएगी। ये वाली माता, काली माता यहाँ आएंगी? आएगी, कन्या रूप में प्रवेश करके आएगी। माँ सुना नहीं, जब माता किसी कन्या में चढ़ती है तो क्या होता है? वो कन्या रुद्र रूप धारण कर लेती है। वही रुद्र रूप काल है, शमशान उसका निवास है। उनके दुश्मनों के जलती हुए चीता के बीच नाचती हुई वो काल भैरवी, उसकी जीव मुंह के अंदर, मतलब क्रोध बाहर है, रक्त प्यासी। जो सामने आते हैं कट जाते हैं, कयामत आ जाती है, सर्वनाश हो जाता है। माँ काली को कोई वश में नहीं कर सकता सिवाय एक, स्वयं शिव। काली के धड़कते क्रोध को शांत करने के लिए शिव खुद शक्ति के पैरों के नीचे आ जाते हैं। शिव के सीने पे पैर रखते ही शक्ति शांत हो जाती है, उसकी जीव बाहर निकल आती है, मतलब उसका क्रोध अंदर गया, पिघल गया। शिव के वश में आ जाती है वो विकराल शक्ति, वो शिव ही है शक्ति जिनके वश में आती शांत हो जाती है। शक्ति का ये यज्ञ बहुत शक्तिशाली है, माँ काली को जागृत करेंगे, इनके काल रूप, इनके दूत अघोरी। वो नागिन चाहे जहां भी हो उसे आना होगा, आएगी वो, आएगी, आएगी वो, और फिर जान से जाएगी। एक डर है बस, अगर तुमसे ज्यादा उस नागिन ने माँ को प्रसन्न कर दिया तो सब ये सब बेकार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। पंडित जी बुलाइए अघोरियों को, कहिए उनसे बजाए ढकला। ओम नमः क्रीं क्रीं काली के स्वाहा।
माँ, आज तेरे मशान में हम इंसान ये यज्ञ कर रहे हैं। एक इच्छाधारी नागिन है माँ, जो तेरे भक्तों को मारना चाहती है। ये पूजा, ये हवन, ये रक्त अभिषेक तेरे लिए है माँ, तू रक्त प्रिय है। आज हम रक्त से तेरा अभिषेक करेंगे। जय माँ, जय माँ। जय माँ काली। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विद्महे नमः। दिव्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं? हाँ, अब तक तो नेट पे पड़ा था, आज आंखों के सामने नागिन को देख लिया रास्ते में, और अब ये सब। माँ, दिखा दे आज तेरा रौद्र रूप। जागृत हो माँ, जागृत हो। पूरे ब्रह्मांड में एक ही महाशक्ति है, माँ काली। इस एक शक्ति की दस महाशक्ति, रौद्र रूप, रक्त बीजी, चंड मुंड विनाशिनी, चामा, दस सर्वाली, गले में मुंड माल, महाकाली, तारा, भयंकर मुसीबतों से भक्तों को तारने वाली, तीन नेत्र वाली, काल और मशान की देवी माँ तारा, छिन्न मस्तक, खुद अपने हाथ से अपना मस्तक काट के खून पीने वाली, कृष्णा और रक्त की देवियों को अपना रक्त पिलाने वाली, निशायन का वस्त्र, नाभि में योनि चक्र, जीवन मृत्यु देने वाली शक्ति छिन्न मस्तक, पांच मुखों वाली, 16 साल की, लेटे हुए शिव के ऊपर रखे कमल पे विराजमान, हर वेद से बढ़, हर यंत्र तंत्र मंत्र से बढ़े, चौथी काली, भगवान शिव का पाया भाग, भुवनेश्वरी, इनके संग से ही शिव सदा शिव है। 7 करोड़ महामंत्र करते हैं आराधना, काल की जन्मधात्री भुवनेश्वरी, लाल रंग से रंगी काल और भैरवी, काल भैरव की शक्ति त्रिपुर भैरवी, भूमावती अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया, स्वयं शिव को निगल दिया, भय भी उससे भयभीत है, मारन उच्छाटन हरिणी धूमावती, काली का उग्र अवतार, हमेशा एक हाथ में शत्रु की जीत, बगलमुखी विष्णु के तेज से वो वैष्णवी है, अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र भी वही है, मुक्ति सिद्धि की देवी बगलामुखी, असुर विनाशिनी भक्तों के लिए वरदान मातंगी काली, तीन नेत्रों में सूर्य सोम और अग्नि वाली, 4 भुजाएं 4 वेद, शमशान में पूजा शमशान काली, मातंगी काली, रिद्धि सिद्धि समृद्धि लक्ष्मी की देवी, कमल पे विराजमान कमला का, ऐसी विकराल एक शक्ति आएगी आज, काली आएगी, प्रसन्न कीजिए माँ काली को, आहुति दीजिए, आज की रात माँ काली अपने विकराल रूप में इस कन्या में प्रवेश करेगी, हर एक नाग नागिन का विनाश करेगी। जय मां, जय मां, जय मां। We'll be right back.
लग रही है। ये कैसा कंपन है, क्या हो रहा है मुझे? कुछ नहीं होगा, शांत रहिए। डर मत, माँ आई है। आई है माँ, आई है। आओ मेरे पास, आओ आओ मेरे पास। में जा रहे सकता है काली माँ की शक्ति का आवाहन हो चुका है, इसलिए ये सारे सांप उसी शक्ति की दिशा में जा रहे हैं। जो नहीं गया उसे ये पास उठाकर ले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही हो? ओ माय गॉड, इतने सारे नाग, वो भी एक साथ। आज अमावस्या है, आज की काली रात नागों के लिए बहुत भयानक होता है। आज की रात वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है नागों के बारे में? उनकी कोई रिश्तेदार हो क्या? वो सबको पता है कि नाग कितने खतरनाक होते हैं। स्ट्रेंज, वैसे नागों के बारे में बहुत कहानियां हैं। इन सबको देख के लगता है कि किसी नाग नागिन की शादी हो रही है और ये सब बाराती बनके झूमते नाचते गाते हुए जा रहे हैं। बड़ा तगड़ा बुलावा आया इन नागों को, जाना तो पड़ेगा ही। शायद उस गुरु माँ ने हम सबको अपने वश में कर लिया है।
जो वो सोचेंगी हमको वही करना पड़ेगा। शिवन्या, वो मुझे मुझे बहुत डर लगता है इन नागनागिनों से। मैंने माँ से भी कहा था, माँ ने कहा था मतलब इन नागनागिनों से बचने के लिए ही तो गुरुमा और वो पूरे परिवार ने वो यज्ञ रखा है ना। बड़ी अजीब हो, खुद सांपों से बचाती हो और अब खुद ही डर रही हो। तुम एक काम करो, तुम जाके उस मंदिर के पास बैठो, जैसे ही पंक्चर ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। और सुनो, डरो मत, मैं हूं ना। अमावस की रात शुरू हो चुकी है, काल मेरे सर पर मंडरा रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं?
छोड़कर मत जाओ शीशा। शिवन्या, तो जाओ यहां से, अपने प्राण बचाओ। नहीं, शिवन्या और शीशा खतरे में हैं। आज हर नागिन की और नाग की जान खतरे में है। आज सभी नाग वहां गए हैं जहां काली है। काली ने उन्हें बुलाया है, काल आया है। हे भगवान शिव, आज काली की रात है, तेरे नागों पर घात है। उस आदि शक्ति को केवल तुम वश में कर सकते हो। शिवन्या और शेषा की लड़ाई तो इंसाफ की लड़ाई है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उनकी इंसाफ की लड़ाई है। फिर क्यों उनकी जान पर बनाई है? माँ, माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। रुक जाइए माँ, रुक जाइए। मत कीजिए अपने भक्तों पे वार।
रोक दीजिए ये विनाश। मैं आपसे विनती करती हूँ मां, रुक जाइए। काली की शक्ति से आज आपको उनकी रक्षा करनी है, आप ही करेंगे, आपको करनी पड़ेगी। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। माँ बाबा को अकाल मृत्यु दे दी उन लोगों ने, आपके मंदिर में, आपके आंखों के सामने, आपके होते हुए भोलेनाथ में अनाथ हो गई, पर आपने मुझे शरण दी, मेरे सहारा बने, एक आप ही तो है मेरे। त्वमेव माता च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और आज, आज भी सिर्फ आप ही रोक सकते हैं अपनी अर्धांगिनी को, अपनी शक्ति को, अपनी काली के काल को। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। आपकी रात है, आज आपके भक्तों को घात है, हमें बचा लीजिए मां। इच्छाधारी नागिन, तू मेरे भक्तों को मारने आई है और मैं तुझे बचा लूं? नहीं माँ, नहीं, मैं आपके भक्तों को मारने नहीं आई हूँ, मैं तो केवल अपने माँ बाबा के हथियारों को मारने आई हूँ, इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या हुआ था तेरे माँ बाबा के साथ? हमारे इष्ट, हमारे देव, आपके शिवजी के मंदिर की रखवाली करते थे मेरे माँ बाबा दिन रात,
शिवलिंग के सामने बैठे रहते थे। उसी मंदिर के पास वाली हवेली में रहने वाले लोगों की बुरी नजर उस मंदिर के नागमणि पर पड़ गई। उन लोगों ने शिव जी के सामने उसी मंदिर में उनके सबसे बड़े भक्तों की हत्या कर दी उस नागमणि के लिए। कभी नहीं भूलूंगी मैं महाशिवरात्रि की वो रात। आप शिव जी की शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, और हम उनके भक्त हैं। वो शिव मंदिर हमारा निवास स्थान है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकती। जानती हूँ कि आप अपने शिव जी से कितना प्यार करती हैं, इसलिए इतने विकराल रूप में भी जब वो आपके पैरों के नीचे आ गए तो आपको प्रायश्चित हो गया, आपका क्रोध शांत हो गया। ये आपका प्यार ही तो है कि आप अपने वश में आ गई। मैं भी अपने वश में आ जाऊंगी, पर अपनी माँ बाबा का इंतकाम लेने के बाद, जिनसे मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जिन्हें उन हथियारों ने मार डाला। सभी भगवानों में आपका ये रूप सबसे निडर है। मैंने भी बिना किसी डर के ये इंसानी रूप लिया है ताकि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों को मार सकूं, उनसे इंतकाम ले सकूं। किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं करूंगी मैं, पर जो गुनहगार है उन्हें सजा देना चाहती हूँ। और आज वही गुनहगार आपका यज्ञ हवन करके मेरी मृत्यु का वरदान मांगने आए हैं। आपसे मृत्यु प्राप्त होना, आपके हाथों मरना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, आपके सामने हूं, मुझे अभी इसी क्षण मार दीजिए। पर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो मेरा साथ दीजिए माँ। मेरे सारे नाग नागिनों को जिनको आपने मृत्यु दी है उन्हें जीवन दान दीजिए माँ। हमारे नागों के देवता हैं, हमारे इष्ट हैं हमारे शिव, और आप उनकी शक्ति, वो हमारे पिता हैं, तो आप हमारी माँ। अब आप ही तय कीजिए माँ कि आपको किसका साथ देना है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.